हो सिम्बा? कैसे हो सिम्बा? कितने अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ, बड़े हो गए हो। तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया था। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहे हो। हमें जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। सिम्बा, मेरे साथ खेलना चाहोगे? सैम, जरा यहाँ आओ तो। क्या हुआ है? जरा मुझे गौर से देखना। ठीक है, पर मुझे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। तुम बीमार हो? हाँ, तुम्हें कुछ अलग नहीं दिख रहा। तुमने ठीक से देखा भी नहीं। क्या देखूं? हाँ? बकशॉट, देखो। हे, बकशॉट। मुझे माफ करना सिम्बा, इस वक्त मैं अपनी सींग की खुजली मिटाने में लगा हुआ हूँ। इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता, ये मुझे पागल कर रही है। सुनो, क्या तुम्हें मुझमें कुछ अलग दिख रहा है? नहीं, क्यों? कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। कहाँ को ढूंढते हैं? वो कोई हल बताएंगे। वो है बलू और बगीरा, उन्हें पता होगा कहाँ कहाँ है। मैं जाकर पूछता हूँ। कैसे हैं आप दोनों? कैसे हो सिम्बा, आज क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं। तुम अलग दिख रहे हो, शायद बड़े हो रहे हो। वो हर दिन अपने पिता के जैसा दिखता जा रहा है। कैसे हो? ओ बगशॉट, लगता है तुम्हारे सिंह फिर खुजा रहे हैं। बहुत। हम कहाँ को ढूंढने जा रहे थे ताकि बकशॉट का ध्यान अपनी सिंगों से हटे। आपको बताया वो कहाँ है? ओ, क्या तुम्हें पता नहीं कहाँ कुछ दिनों के लिए गया हुआ है? सच में? क्या आपको पता है वो कहाँ गए? वो जंगल में ही आसपास कहीं होगा। वो कुछ समय अकेले रहना चाहता है। वो अकेले क्यों रहना चाहते हैं? वो अपनी खाल निकाल के नई खाल पहनेगा। इसी समय वो हर साल ये करता है, और ये करने के लिए वो जंगल में अपनी खुफिया जगह पर जाता है। क्या इसका मतलब ये कि हमारी भी खाल निकलेगी? नहीं नहीं सिम्बा, हमारे जैसे जानवरों के बस थोड़े से ही बाल झड़ते हैं। हम का की तरह खाल नहीं बदलते। ये सुन के अच्छा लगा। अब हमें चलना चाहिए। क्या तुम हमें बता सकते हो का की छुपने की जगह? हाँ, मुझे पता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम अभी छोटे हो। हाँ। वो एक खतरनाक जगह है। पर मुझे देखनी है। मैं भी देखना चाहता हूँ। तो मेरे साथ कौन आएगा? तुम्हें पता है कि मैं आऊँगा। पर तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है? तुम मुझे बस ये बताओ, तुम आ रहे हो या नहीं? मजा आएगा। तुम हमेशा यही बोलते हो, और हमेशा हम मुसीबत में फंस जाते हैं। शेर खान हमारे पीछे पड़ जाता है। क्या पता का शेर खान के इलाके में हो? पर का वहाँ क्यों छुपना चाहेंगे? हमसे दूर होने के लिए। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सिर्फ अगस्त्य को पता है कि रास्ता कहाँ है। चलो उससे पूछते हैं। अगस्त्य, क्या तुम अंदर हो? वो अब तक सो रहा होगा। शायद वो देर तक जाग कर पढ़ रहा होगा। अगस्त्य, हमारा वक्त बर्बाद करने से अच्छा तुम अंदर क्यों नहीं जाती हो? हाँ, और अंदर जाकर उसे थोड़ी तमीज सिखाती हूँ। ओह, लगता है अगस्त्य बाहर गया है। लगता है कुछ करते करते यहाँ से निकल गया। मुझे एक गाना याद आ रहा है। ये पन्ना क्यों खुला हुआ है? ओह, ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अगस्त्य कहाँ गया? लगता है कुछ खाने को लाने गया है। कहाँ गया है वो? अगस्त्य जल्दी आओ, मुझे पता है कि तुम जड़ी बूटी इकट्ठा करने गए। तुम सबको कला की कोई कद्र नहीं है। हमें अच्छा लगता अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। ओ जरूर, कम से कम तुम्हारी तरह वो बेकार गेंद उठा के नहीं घूमती हूँ। जो उसने कहा वो सही है सैम, मैं तो कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। वैसे कभी कभी लगता तो है। ये सब हंगामा किस लिए है? हम सिर्फ बात कर रहे थे। कैसे काको ढूंढे? क्या आप हमें बता सकते हैं कि काको कैसे ढूंढे अगस्त्य? मैना ने कहा है कि तुम्हें उसके छुपने की जगह पता है।
बलू और बगीरा ने कहा कि वो जंगल में अपनी खाल निकाल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वहाँ जाओ। पर क्यों नहीं? क्योंकि वो जगह इंसानों ने बनाई थी, वहाँ छुपा हुआ जाल है जहाँ कोई भी फंस सकता है। वहाँ इंसान इकट्ठा होकर खजाना छुपाया करते थे। तो कहाँ है वो जगह? वो एकदम घने जंगल में है जहाँ जल्दी कोई नहीं जाता। पर वादा करो ये राज तुम किसी को नहीं बताओगे। हाँ, हम कभी किसी को नहीं बताएंगे अगस्त्या। हाँ, मुझे लगता है तुम सबको जांचने का ये सही मौका है और ये देखने का कि तुमने कुछ सीखा है या नहीं। पर मैं तुम्हें सतर्क करता हूँ, वो मंदिर सुनसान है, वहाँ कोई नहीं जाता। आराम करने जा सकता है तो वो जगह खतरनाक कैसे हो सकती है? काश के वो हमें बता दे कि वो जगह कहाँ है। चलो ठीक है, अगर तुम लोग जिद करते हो तो बताता। अच्छा ध्यान से सुनो, तुम इस रास्ते से जाओ, वहाँ पर आगे दो पत्थर मिलेंगे, उसके बीच में एक पेड़ है, वहाँ से जाना और फिर सीधे चलते जाना जब तक तुम्हें कोई दीवार नजर ना आए, और फिर तुम्हें मंदिर मिलेगा। और खतरा यहाँ से शुरू होता है क्योंकि आज तक किसी को नहीं मालूम कि वहाँ कितने जाल छुपे हुए हैं। जिन इंसानों ने बनाया था उन्हें भी नहीं मालूम। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वहाँ जाओ, लेकिन गांव ने कहा तो मैं बता रहा हूँ। बालू, अगस्त्या को मदद चाहिए तुम्हारी। सोचने दो, वो चाहता है कि मैं बच्चों को लेकर का के पास जाऊं। सही कहा, उसे लगता कि ये उन सब के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा, फिर भी वो चाहता कि हम भी उनके साथ जाएं, सुरक्षा के लिए। बलू और काओ? हाँ, ये साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे हो सब? हम सब तैयार है जाने के लिए बच्चों। चिंता मत करो अगस्त्या, हम ध्यान रखेंगे। और हमसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचना भी मत। कहीं कहाँ बलू, मजा आएगा ना? बस मुझे इतना ही कहना था, लेकिन अगर रात से पहले तुम लोग नहीं आए तो मुझे चिंता होगी, लेकिन ये कभी ना कभी तो बड़े होंगे ही। तो तुम इन लोगों के साथ मंदिर जाओगी या मेरे साथ यहीं घर पर कुछ बना के खाएंगे हम लोग? मैं तो रुकना चाहूँगी, लेकिन यहाँ गर्मी है, कहीं मेरी आवाज़ ना खराब हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें हमारा बनाया खाना अच्छा नहीं लगता? तुम ऐसा मत सोचो अगस्त्या। ठीक है, मेरे लिए ज्यादा बचेगा। अरे दोस्तों, यहाँ क्यों रुके हुए हो? चलो चलते हैं। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। तुमने खजाने के बारे में सुना क्या? हाँ, पर हम उसे तुम्हारे साथ बांट लेंगे। ओ तो ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, चलो। अब हम क्या करें? चलो जाकर देखते हैं। वहाँ छलांग नहीं लगा सकते। सिम्बा रुको, मैं इसे पार करने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। चलो अब हम इसे पार कर सकते हैं। अब चलो भी, ध्यान से चलो। बस इतना याद रखना कि नीचे मत देखना। अब इतना दूर भी नहीं है, सब आसानी से पार कर लेंगे। ध्यान से चलो, कहीं गिर मत जाना। हाँ ये हुई बात, तुम लगभग पहुंच गए हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैना। चलो मुझे लग रहा है पहुंचे। हमने कर दिखाया, कर दिखाया। ये वो चट्टान है जिसके बारे में अगस्त्या ने हमें बताया था। जल्दी करो आलसी लोगों, नहीं तो मुझे मेरे कूड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कोई लुटेरों की नाव नहीं है। जल्दी आ जाओ। अब क्या कहा मोटू ने? लगता है उसने कुछ कोड़ा कहा, पर पता नहीं उसका क्या मतलब है। मुझे पता है, इंसान उसे सजा देते हैं। वो दोनों खजाने के लिए बहक रहे हैं। खासकर मोटू। तुम फिर से बोल सकते हो। हाँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा। काओ, काओ।
सुनो सब लोगों, क्या सबको वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? हाँ। वही है वो। देखो मंदिर। चलो चले। अरे हमारे लिए रुको, हमने तय किया था कि सब साथ रहेंगे। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, पर तुम सावधान रहना, मुझे पता है कि वो कहाँ है। यहाँ पर है। तो तुम दोनों यहाँ हो। और रास्ता पत्थर के पीछे है। चलो देखते हैं। ने वो सुना? हाँ, ये जगह कितनी अजीब है, बहुत डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें क्या हुआ था? बल्लू, क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? हमें फिकर हो रही थी। तुम्हें तो हमारा संरक्षक बनना था ना? ये डरावना है। मुझे लगता है ये वो खजाना नहीं है जिसके बारे में अगस्त्य बात कर रहा था। शेर खान, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक पुतला है, हम सुरक्षित हैं। उस चील को देखो, कितना डरावना है। तुम्हें पता है कौन है? हाँ, गांव से पूछते हैं। इसका मतलब तो ये है कि ये मेरा पुतला है। हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता। समझा, देखो। नहीं, ये तुम्हें क्या हो गया? का नहीं, किसी और का पुतला है। सही कह रहा है, हमारा दिमाग बस हमारे साथ खेल रहा है। पर वो पुतला उसी की तरह दिख रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे पता था कि ये तुम नहीं हो का। तुम ठीक हो? क्या था? मुझे नहीं पता। अरे बचो, भागो, बलू बचो। का क्या हो रहा है? किसी ने कुछ महसूस किया? जान बचाओ। रुको, यहाँ आओ। भाव पर मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पेट से कूद जाओ। उस दीवार पर क्या है? कंकाल। कंकाल? जहाँ कंकाल होता है, खजाना भी वहीं होता है। चलो। मुझे रोशनी दिख रही है। हमें मिल गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया।
खजाना मिल गया, हम अमीर हो गए। आखिरकार हमें मिल ही गया मोटू। चलो इसे बोरी में भरते हैं, इसे बाहर रखकर हम फिर से वापस आते हैं यहाँ। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ! क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? हमने एक सांप देखा। सांप? ओह शायद ये का है। ओ का, बचाओ के चलेंगे का। मैं कभी आने नहीं आना चाहिए था का। का, नहीं का, वापस आ जाओ। अब तुम्हारी पूंछ पे कभी सवारी नहीं कर पाएंगे। का, हाँ? हाँ? कैसे हो? तुम सब भागो, मैं इसे देख लूंगा। देख लूंगा? क्या हुआ है सिम्बा? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोस्तों मैं कहाँ हूँ? ये कैसे हो सकता है? वो क्या है? वो मेरी पुरानी त्वचा थी। क्या? अच्छा मुझे अच्छे से तुम दोनों को देख लेने दो। लाजवाब, कुछ ही दिनों में तुम दोनों बहुत बड़े हो गए हो। हाँ। और मैं कैसा लग रहा हूँ? ध्यान से देखो और बताओ। जैसे हमेशा लगते हो। सच में? कुछ ही देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी पुरानी खाल से नई खाल अच्छी है? ये असली सांप नहीं है। खाल बदलने में तकलीफ होती है? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। ओ तो तुम जानती हो। अच्छा बताओ मुझे इसके बारे में। मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारी खाल है, तुम इसलिए बदलते हो क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती। कहाँ से सुना तुमने? पर मुझे तो किसी ने यही बताया था। गलत हो। माफ करना ये कहने के लिए, लेकिन तुम सही नहीं हो। सैम सही कह रहा है। असल में ये असली कारण नहीं है। मैं अपनी खाल बदलता हूँ क्योंकि सांपों का जीवन खाल बदलने से लंबा होता है। तुम जानते हो बच्चों कि इस काम के लिए मुझे एकांत चाहिए होता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? हमें अगस्ते ने यहाँ का रास्ता बताया। क्या तुम्हें अच्छा नहीं, नहीं लगा? मैंने एक नदी पार की क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। मैं कर सकता था। मुझे अच्छा लगा कि उसने तुम सबको यहाँ पर भेज दिया क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ आना कठिन है लेकिन तुम लोग आ गए। मोटू छोड़ो मुझे, मेरा है। मेरी गेम। ये क्या हो रहा है? मैं छुओ उसे। रुको सैम, मेरी पूछ पकड़ो। अलविदा। अब तो मुझे छोड़ सकते हो? अब तो बस मुझे इस चीज से छुटकारा पाना है। शुक्र है पीछा तो छूटा। मैं बहुत थक गया हूँ। ये तो सैम की गेंद है। और नहीं, कुछ तो हुआ होगा, वो कभी अपने से दूर नहीं रखता। काश कि मैंने इस मंदिर के बारे में कभी सुना ही नहीं होता। बलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई तकलीफ है? बच्चे कहाँ हैं? अगस्त्य धीरे रुको,
सब कुछ धुंधला है। हम मंदिर गए और काका पुतला हिला और वो दीवार, फिर हम गिर गए और देखो हाँ? वो वापस आ गए। तुम लोगों ने कमाल कर दिया। सिम्बा, बकचोड़, सैम, क्या हाल है अगस्तिया, कैसे हो तुम? जब तुम सब आ गए हो तो मैं भी ठीक हूँ। ओह, का भी साथ में है। बहुत बढ़िया। मेरी गेंद। क्या हुआ था? ओह, भूल जाओ सब। बलू, चलो खेलते हैं। मैं आ रहा हूँ। अरे सुनो, तुम लोग सही वक्त पर आए हो, खाना तैयार है। माफ करना अगस्त्या, पर मुझे गाने का रियाज करना है। ठीक है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पर तुम लोगों को नहीं पता तुम क्या खो रहे हो। अगस्त्या ने आज अपने दोस्तों का काफी ज्ञान बढ़ाया। उन सभी ने आज का के बारे में काफी नई बातें जानी। हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा हो। आगे क्या होगा जानने के लिए फिर मिलेंगे।